इस तरह से साउथ इंडियन डोसा बनाने के लिए हमने जो बैटर तैयार किया है उसमें हमने 3 भाग चावल और 1 भाग उड़द दाल को 8 से 10 घंटे के लिए फुलाने के बाद इस तरह से पीस लिया है। और हम बैटर में नमक नहीं मिलाएंगे। जब हम डोसा बनाने लगेंगे उसके पहले इस तरह से बैटर में नमक डालेंगे, क्योंकि नमक बैटर को और पतला कर देता है। तो हमें जितनी थिकनेस चाहिए उसके लिए हम तुरंत नमक मिलाएंगे। डोसा तवा हमारा पहले से गर्म होने रखा हुआ है, उसमें हम इस तरह से 1 चम्मच डोसा बैटर लेके और उसे धीरे धीरे हल्के हाथों से फैला लेंगे, से हल्का सा मोटा रहने देंगे। ज़्यादा पतला करने पे डोसा नहीं निकलता है। तो इस तरह से जो थिकनेस मैंने रखी हुई है आप भी इस तरह से फैला लें। और मीडियम फ्लेम में इसे हम पकने देते हैं। इसे पकाने के लिए ऊपर से हम ऑयल यूज़ करते हैं, हल्का हल्का पूरे डोसे के ऊपर ऑयल फैला देते हैं। इसके बाद हमने जो आलू की सब्ज़ी बना के रखी हुई थी उसे हम धीरे धीरे हल्के हाथों से डोसे के ऊपर फैला देंगे। और सब्जी को फैलाने के बाद हम इसे 5 मिनट के लिए और पकने देंगे, जब तक कि ये हल्का रेडिश शो ना होने लगे। जब हमें डोसा हल्का रेड दिखने लगता है तब हम उसे एक साइड से निकालना स्टार्ट करते हैं। डोसा हमेशा आप एक साइड से ही निकालना शुरू करें, क्योंकि बीच में अगर आप साइड से वो करेंगे तो ये टूट जाता है। तो इस तरह हल्के हाथों से हम इसे फोल्ड कर देंगे और सर्व करने के लिए हमारा डोसा एकदम रेडी है। हमने इसे लहसुन और प्याज की चटनी, सांभर और चने की चटनी के साथ, चना दाल की चटनी के साथ सर्व किया है। इस तरह से हमारी रेसिपी एकदम तैयार है। तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में शेयर करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।